हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आकृति रुमटा और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं पेस्टो सॉस, जिसकी बहुत सारे यूजेस हैं। आप उसको सैंडविच में स्प्रेड की तरह यूज़ कर सकते हैं, डिप की तरह यूज़ कर सकते हैं, नूडल्स के सॉस की तरह यूज़ कर सकते हैं, और भी कई सारे यूजेस हैं। और हम आज जिस लिए बना रहे हैं वो है उसको एक स्पेगेटी सॉस की तरह यूज़ करने के लिए। और ये बहुत ही इजी सॉस है, इसमें सिर्फ 3-4 इंग्रेडिएंट्स की बेसिक नीड होती है। ये एक्चुअली हमारा फेवरेट सॉस है, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों को ही ये सॉस बहुत पसंद है, सो आई कीप मेकिंग इट। तो आज हम वही बनाएंगे और ये बहुत ही कन्वीनियंट है। इसको बनाने में सिर्फ मुश्किल से 10-15 मिनट लगते हैं। आपको सिर्फ ग्राइंडर की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वो नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मैं कुछ भी पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें पेस्टो बनाने के लिए चाहिए। यहाँ पे मैं बेजिल और स्पिनच दोनों चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज़ मेरे को क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए थी और मेरे पास बेजिल की क्वांटिटी कम थी। आप मिक्स कर सकते हैं, उससे टेस्ट में कुछ हैम्पर नहीं होता है। एंड पाइन नट्स आप यूज़ कर सकते हैं, अगर पाइन नट्स ना हो तो मेरी तरह आप आमंड, वॉलनट्स और मिक्स सीड्स मिक्स कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम फूड प्रोसेसर या ब्लेंडर में मिक्स करेंगे। स्पिनच, बेजिल, मिक्स सीड्स, 7 to 8 गार्लिक क्लोव्स यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, बट मेक श्योर बहुत ज़्यादा नहीं। पार्मेसन चीज़, ये मैंने अंदाज से एक बोल लिया है। सॉल्ट एज पर टेस्ट, ब्लैक पेपर अगेन दिस इज़ एज पर टेस्ट, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के इनको ब्लेंड करेंगे। जब सारे इंग्रेडिएंट्स थोड़े से मिक्स हो जाएँ तब हम इसमें ऑलिव ऑयल डालेंगे, ये करीब 4 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल है। और उसके बाद आप अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से इसको ब्लेंड करिए। ये हमारा फाइनल पेस्टो सॉस है, और बहुत ही स्मूथ पेस्ट में मैंने इसको ग्राइंड किया है क्योंकि मुझे स्मूथ कंसिस्टेंसी चाहिए थी। होप आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।